ग्रामीण को एक दिन के लिए अपनी कुर्सी पर बैठाकर नाम कमाने वाली कैथल की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शनिवार को एक बार फिर अपनी मानवीय सोच का उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने गांव रवसीना के दिव्यांग प्रदीप के जन्मदिन में पहुंचकर एक और मिसाल कायम कर दी है। दिव्यांग प्रदीप कुछ दिन पहले कैथल के लघु सचिवालय में डीसी प्रियंका सोनी को अपने जन्मदिन का निमंत्रण देने आया था। उसी समय डॉक्टर सोनी ने प्रदीप का जन्मदिन बाल भवन के बच्चों के साथ जिला प्रशासन की ओर से मनाने का निर्णय लिया। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर प्रियंका सोनी ने प्रदीप की मासूमियत, हौसले और जज्बात की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदीप अन्य दिव्यांग जनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। आइए जरा डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी की बात सुन लेते हैं। अभी दो तीन दिन पहले प्रदीप मेरे ऑफिस में आए थे और इनका ये कहना था कि क्या आप मेरे जन्मदिन पे आओगे, तो उसी के चलते और ये मेरे से मिलना भी चाह रहे थे और चाह रहे थे कि मैं इनके जन्मदिन पे इनके साथ सम्मिलित हूँ इनके कार्यक्रम में, तो इसलिए हमने आज बाल भवन में इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और यहाँ में जो बच्चे थे क्रेच में उनके साथ सेलिब्रेट किया गया। और मैं चाहती हूँ कि आगे भगवान सारी खुशियाँ दें इनके जीवन में और हमेशा इनको स्वस्थ और खुश रखें। देखिए, ये जो प्रदीप है, इन्होंने बड़ी हिम्मत की, ये मेरे ऑफिस में खुद अकेले आए, चीका से आए, अकेले आए और इन्होंने मेरे से बात भी की और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भी बात की और बड़े ही जो मासूम दिल होता है बच्चों का उसके साथ इन्होंने बात की और जिसके चलते कि हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आगे केस टू केस बेसिस पे जैसे हमारे पास आएंगे उस प्रकार से हम कहेंगे, पर मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि दिव्यांग बच्चे भी अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं बशर्ते वो अपने दिल में हौसला रखे। ये मैं प्रदीप की भी बहुत बहादुरी और शाबाशी देना चाहूंगी कि इन्होंने हिम्मत की कि उतनी दूर से ये डीसी ऑफिस आए और इन्हें अपने आप में इतना विश्वास था कि डीसी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, तो ये अपने मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। बच्चों जो बर्थडे सेलिब्रेट किया उसमें एज रिटर्न गिफ्ट इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं हमें लिख के दी है और उसको मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। मैं समझती हूँ कि भगवान का ही जैसा लिखा हुआ वैसा होना होता है। ये बच्चा मेरे पास आया और इनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, एक किसी प्रकार से एक दूसरे से लिंक नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिव्यांग प्रदीप का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।